नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, चर्चा यदि हम करें तो देखिए, जिन लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका, वहां कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और आज सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टियों ने जान लगा दी है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या फिर पूर्णिया में पप्पू यादव हो, तो जान लगाई गई है। वहां क्या दिखा है इसकी बात हम करेंगे। और आज फिर नीतीश कुमार ने एक भावुक चिट्ठी बिहार के मतदाताओं को लिखी है, इसका फायदा कितना मिलेगा यह भी हम समझेंगे। अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद, उम्मीद जैसी थी, आज हमने सुबह की चाय में भी कहा था कि महाराजगंज में जब उम्मीदवार का ऐलान हो गया तो अरुण कुमार अपना फैसला कर लेंगे। फैसला कर लिया, बीएसपी में शामिल हो गए, जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो जहानाबाद चुनाव लड़ेंगे, फिर किसका नुकसान सबसे पहले हुआ? अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के बेटे, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो सबसे पहले चर्चा की हम शुरुआत करते हैं उन 5 लोकसभा क्षेत्रों से जहां कल चुनाव प्रचार थम जाना है। सबसे पहले हम बात करें पूर्णिया की। पूर्णिया में हमने क्या देखा रवि सर, अब क्या स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, पूर्णिया में सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा है जी, माने 10 साल हो गया उनका, एंटी इनकमेंसी। और आज भी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि संतोष कुशवाहा लोगों से मिलते जुलते नहीं रहे। बिल्कुल। और लोगों ने जब कभी संपर्क साधने की कोशिश की तो उनसे संपर्क साधना बहुत कठिन हो गया, चुनाव के समय दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो यह गुस्सा, हाँ, तो आप कह रहे थे संतोष कुशवाहा तो वो जनता के बीच में सरल और सुलभ जो जन प्रतिनिधि होता है ज्ञानेश्वर जी, उसी का एक्सेप्टेंस होता है जी। तो वो इनके प्रति नाराजगी इसी बात को है कि 365 दिन 24 घंटा ये अवेलेबल नहीं है लोगों से, और इनसे आपको मुलाकात ही नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है और यही परेशानी का सबब है उनके लिए जी, जो एंटी इनकम्बेंसी है यही है। और उनके नहीं, अब हम ये समझना चाहते हैं कि संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनके पास एनडीए की ताकत है, नरेंद्र मोदी का नाम है, नीतीश कुमार का काम है, तो यह उन्हें फायदा पहुंचाएगा। लेकिन संतोष कुशवाहा से लड़ कौन रहे हैं? संतोष कुशवाहा से लड़ाई पप्पू यादव की है या बीमा भारती की है? नहीं, पप्पू यादव से ही लड़ाई है। हम शुरू से इस बात को कहते हैं, पप्पू यादव से ही लड़ाई है। हाँ, निर्दलीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद, जो कि 3 बार से वहां से रहे हैं, 2 बार निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी से। वो भी अपना ही बूता मान लीजिए, अपने ही बलबूते हुए जीते हैं। सब सपा का बिहार में क्या आधार है सब लोग जानता है। तो वह 3 बार के वहां के सांसद रहे हैं और उनकी वही यूएसपी है, 365 दिन 24 घंटा। तो वो सरल और सुलभ, यही जन प्रतिनिधि में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह उनके पास में है, और दुख की घड़ी में खड़ा होने वाले। तो ये जनता के बीच में उनका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। और वहां पर तीसरा जो ट्रायंगुलर फाइट की जो बात हो रही है, वो बीमा भारती है तेजस्वी यादव की पार्टी से, जिनको पाला बदलवा करके जेडीयू से आ रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा रोड शो किया है, रोड शो चल ही रहा है, जब मेरा यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो रोड शो चल रहा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत अधिक मेहनत की बीमा भारती को मुकाबले में लाए, और कल उन्होंने कही दिया कि यदि आप इंडिया को वोट न दे सकते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। यह भी बैकफायर कर गया और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को ही फायदा पहुंचा गया। देखिए, तो तेजस्वी यादव का रोड शो, और आज हमने देखा बिल्कुल पप्पू यादव जो है वह शोभा यात्रा में शामिल हो गए। क्या मुसलमानों को साधने के बाद, यादवों को साधने के बाद, वे बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करते दिख रहे हैं? देखिए, शोभा यात्रा निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें थे और समाज के हर वर्ग के लोग उसमें थे, मुस्लिम भी थे उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में हिंदू थे उतनी ही संख्या में मुस्लिम थे। तो तमाम हिंदुओं की संख्या मुझे अधिक दिखी। हाँ, बिल्कुल। तो तमाम लोगों की चाहत भी थी कि पप्पू यादव इस शोभा यात्रा में चाहे, तो जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही पप्पू यादव उसमें
ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। हाँ, ड्राइवर जो जीप चलाते हुए दिखाई पड़े और समरीन जो लाइव सिटीज की रिपोर्टर है वो वहां पर कवर भी कर रही थी और उन्होंने जो बताया कि अपार जनसमर्थन जात कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर के पप्पू यादव को समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से पप्पू यादव वहां पर जो हम कह रहे हैं लाइव सिटीज जिस बात को कह रही है कि वहां पर पप्पू यादव से ही सबकी लड़ाई है तो वह निश्चित रूप से वह मतलब ये नारा चल रहा है पूर्णिया में कि दिल्ली में मोदी और पूर्णिया में पप्पू निश्चित रूप से कैंची जो है सो सिंबल जो है सो उनका इस बार प्रभावी ढंग से दिखाई पड़ रहा है। हर आदमी कैंची लेने के लिए आतुर है, उतावला है वहां पर पूर्णिया में ज्ञानेश्वर जी। चलिए देखिए हम दूसरी महत्वपूर्ण सीट की चर्चा करना चाहते हैं भागलपुर जहां राहुल गांधी भी गए। तो देखिए भागलपुर के बारे में यह खबर आ रही है कि देखिए हवा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अब नतीजे क्या आएंगे, मतदाता जो चुप्पा हैं वे जाकर किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। नेहा शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा की बेटी बॉलीवुड की एक्ट्रेस, उन्होंने भी रोड शो किया और नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। वहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। बीजेपी वाले मन से साथ नहीं दिख रहे हैं, गंगोता वोट को साधने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध मारी है जिस तरीके से जाति की बातें हो रही है। तो क्या भागलपुर से यह सूचना सही है कि वहां भूमिहार जो माने जाते हैं कि एनडीए के वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, ब्राह्मण जो माने जाते हैं कि एनडीए के वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, वे पंजा के साथ हाथ निशान के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो पूर्णिया में जो आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है वही बात वहां पर भी आपको भागलपुर में भी अजय मंडल देखिए उनका भी टेन्योर सेकंड टेन्योर जी 10 साल उनका नहीं भी देखिए संतोष कुशवाहा के साथ दूसरे प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है लेकिन अजय मंडल के साथ ये एंटी इनकम्बेंसी है कि भागलपुर को जाम का शहर बना दिया। ऐसे सांसद रहे कि उनकी नजरों के सामने यहां वसूली गैंग चलता रहा जी। वही सब देखिए जनता के बीच में सबका अलग अलग सिनेरियो होता है वहां पर पूर्णिया में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है इनके साथ में। तो ऐसे में अजीत शर्मा जो कांग्रेस पंजा छाप की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर रैली भी हुई राहुल की, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो वो भूमिहार जो कोर वोटर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह जब अपने जाति समाज की ओर जात पात में सब बटा हुआ है, ज्ञानेश्वर जी इसको छिपा हुआ नहीं बिल्कुल, तो वह एकदम उनकी तरफ और उनकी बिटिया जो फिल्म की नेहा शर्मा जो उनका जो रोड शो उनका जो पब्लिक से कांटेक्ट जो एड्रेस हो रहा है वह निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा जोल्ट कहीं झटका कहा जाए तो एनडीए को लगता हुआ वहां दिखाई पड़ा। नहीं तो भूमिहार और ब्राह्मण जी क्या ये जो प्रयोग किया कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी ने, देखिए अब तो 3 भूमिहार इंडिया ब्लॉक से भी हो गए बिल्कुल, अजीत शर्मा, आकाश कुमार सिंह और तीसरे मुन्ना शुक्ला और एनडीए से भी 3 ही भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और ललन सिंह बिल्कुल। तो क्या भूमिहार सच में हाथ निशान को वोट दे सकते हैं? क्यों नहीं, भूमिहार तो पहले से भी हाथ पर चढ़े थे। नहीं ये बहुत पहले की बात जी, लेकिन हाल के दिनों में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति के बाद यह निश्चित रूप से बदला। लेकिन फिर जब देखिए जब आप कास्ट पर जाते हैं, जात पर जाते हैं, बिहार में इस पर वोट पड़ता है ज्ञानेश्वर जी, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको अजीत शर्मा वहां पर एक मजबूत दावेदार बनते हुए दिखाई पड़े और इनका जो इन ब्लॉक जो वोट है जी, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में मुस्लिम यादव का, वह भी इनके भागलपुर में लड़ाई है। इसका मतलब देखिए आगे हम चर्चा करें किशनगंज की। किशनगंज में भी ट्रायंगुलर फाइट है बिल्कुल। देखिए मौजूदा सांसद है डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी की बातें आ रही हैं बिल्कुल। जेडीयू ने मास्टर मुजाहिद आलम को बनाया है और ओबैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान है। यहाँ क्या सूरत दिखाई पड़ रही है? बिहार में वैसा लोकसभा क्षेत्र जहां सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और माना यह जाता है कि यह सीट एनडीए तभी जीत सकती है, वैसे कभी शाहनवाज हुसैन ने जीता था, जब एनडीए बीजेपी 500 सीटें देश में जीतने की सूरत में पहुंच जाए बिल्कुल। देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से ओबैसी की पार्टी AIMIM जो उम्मीदवार खड़ा किया है अख्तरुल ईमान वह भी मजबूत उम्मीदवार है, उनको आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उनके बोली में उनका जो फायर ब्रांड नेता भी वो कहे जाते हैं और वो टेस्टेड और ट्रस्टेड है ओबैसी की पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो ऐसे में मुजाहिद आलम जो जेडीयू के उम्मीदवार है उनसे मुकाबला आपको सैयद अख्तरुल ईमान और डॉक्टर मोहम्मद जावेद बिल्कुल वह जो है सो होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको जी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां जो मुकाबला है वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद और अख्तरुल ईमान के बीच ज्यादा है और ये जो मास्टर मुजाहिद आलम है शायद वे तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए लेकिन हिंदू मत जो भी है
वो हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है ज्ञानेश्वर जी, ये जो 5 सीट की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सब जो है सो जेडीयू के कोटे के जी, ये एनडीए सभी सीटें जो है जो दूसरे चरण के चुनाव में इसलिए नीतीश कुमार ने ज्यादा पसीना बहाया है, पूरा ताकत झोंक दिया। आज भागलपुर में रोड शो भी कर रहे थे, बिल्कुल बस के भीतर से हाथे हिला रहे थे। तो देखिए हमने बात कर ली किशनगंज की, कटिहार की बात करें, कटिहार में तारिक अनवर वर्सेस दुलालचंद गोस्वामी, बिल्कुल क्या खबर है यहाँ पर, तो स्टेट फाइट है जी। यहाँ पर भी देखिए हम कहेंगे एंटी इनकमबेंसी है दुलालचंद गोस्वामी के, लेकिन तारिक अनवर बड़े और कदावर नेता है और उनके साथ में इस बार जो है सो कुछ न कुछ इनका विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। नहीं देखिए विन विन की बात तो हम तब करें, लेकिन बीजेपी के भीतर थोड़ा सा भीतर घात तो है बीजेपी की ओर से। अशोक अग्रवाल निखिल चौधरी क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अस्फाक करीम जेडीयू के फोल्ड में आ गए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। वो है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन जेडीयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिल मिजाज नहीं मिला हुआ लगता है। ये तो देखिए पूरे बिहार में लग रहा है कि समन्वय की कमी है, बिल्कुल समन्वय की कमी। बांका गिरिधारी यादव बनाम जयप्रकाश यादव, बिल्कुल ये यहाँ पर देखिए दो बार से ये सांसद हैं गिरिधारी यादव और जयप्रकाश यादव उधर के कदावर नेता। नहीं दो बार से नहीं, 2014 में तो जयप्रकाश यादव भी जीते थे, 2019 में जीते, हाँ जी सॉरी 2019 में जी। तो ये जो है सो यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ पर भी लड़ाई आप मजबूत है यहाँ पर गिरिधारी यादव का। और बांका में आप देखिए वहां पर राजपूत वोटर भी है जी, जो राजपूत वोटर आप देखिएगा वह किशोर करवट बैठता है वो तो देखिए एनडीए की ओर जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए ने सबसे अधिक उम्मीदवार दिए हैं, राजपूत जाति के ही 7 उम्मीदवार हैं, 5 बीजेपी से, 1 जेडीयू से और 1 एलजेपी से, बिल्कुल। तो वोट का हक तो वैसे हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में, जैसे हमने झारखंड में देखा कि 2 राजपूत सांसदों के टिकट कट गए, इसके बाद वहां राजपूतों में गुस्सा है, उत्तर प्रदेश राजस्थान में भी क्षत्रियों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ तो राजपूत क्षत्रिय मुझे लगता है कि गिरिधारी यादव के साथ रहेंगे। अगर यदि गिरिधारी यादव के साथ में राजपूत का वोट चढ़ता है एनडीए के साथ में, तब तो निश्चित रूप से वहां पर फिर तो लड़ाई नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ तो इसकी समीक्षा हमें कल भी करनी होगी जब चुनाव प्रचार थम जाएगा कि वहां की स्थिति क्या बनी। अब देखिए हम आगे चुनावी चर्चा में चर्चा करते हैं कि अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद ये तो आ गए बसपा में, बिल्कुल, और जहानाबाद से चुनाव भी लड़ेंगे। तो जहानाबाद में अरुण कुमार के आने का असर क्या दिखाई पड़ेगा, वहां देखिए सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की लड़ाई है, बिल्कुल। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 2019 में गिरते दुरकते 1751 मतों से चुनाव जीते थे और इस बार अति पिछड़े जो मत हैं उन्हें गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भूमिहार नाराज है। तो अरुण कुमार के आने का नुकसान क्या सबसे पहले आशुतोष कुमार को हो जाएगा? देखिए आशुतोष कुमार से तो देखिए अरुण कुमार वहां के जाना पहचाना नाम है, पहले वहां सांसद भी रहे हैं और वह एमएलसी भी रहे, तो वह उनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो जहानाबाद में निश्चित रूप से अरुण कुमार के आने से यह वोट में डेंट किसका लग रहा है जी, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भूमिहार बहुल इलाका है, वहां पर नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके अति पिछड़ा समाज से आने वाले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पिछली बार सीट दिया था, इस बार भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में डेंट की बात है, वहां पर निश्चित रूप से भूमिहार समाज अपने समाज दो हिस्सों में बटेगा ना, दो हिस्सों में बटेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि आशुतोष कुमार भी पसीना बहा रहे थे, अरुण कुमार भी आ गए, हाँ, जो नई उम्र के लोग हैं वो आशुतोष कुमार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दो भूमिहार आपस में लड़ेंगे तो फायदा आपको क्या लगता है, प्रारंभिक संकेत क्या लगता है? तब तो लगता है कि चंद्रवंशी जी का वहां पर फायदा हो जाएगा, हाँ फायदा होगा, लेकिन लड़ाई पेच फंसेगा सुरेंद्र यादव वर्सेस चंद्रवंशी जी, ये लड़ाई इसी में होगी, दूसरा और इधर उधर कहीं होने वाला नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र यादव जो आप जहानाबाद का सीट देखिएगा उधर उठा के असेंबली सीट जो है वो सब महागठबंधन के पास में जी, वो असेंबली विधानसभा का, और इस बार माले की ताकत भी, हाँ माले की ताकत भी, तो ऐसे में निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव भी आपको फाइट अगर देते हुए दिखाई पड़ेगा। और पिछली बार का भी आप रिकॉर्ड देखिएगा तो वही कुछ बताता है, बिल्कुल वो बहुत कम मार्जिनल वोट से ही एस्केप किए थे वो। हाँ नहीं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी जो भूमिहार समाज के बड़े लोग हैं उनके पास आशीर्वाद और समर्थन के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पटना में एरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर जो बड़े समाज सेवी हैं और लगातार काम करते रहते हैं CSR फंड से करोड़ों रुपया से लगाकर गाँव का कल्याण करते हैं, तो उनसे मिलने भी, भोला शर्मा से मिलने भी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी गए थे। आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुलाकात हुई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो वही चंद्रवंशी जी का प्रयास यही है कि हम किसी तरह से वोट को एकजुट कर सके भूमिहार का, क्योंकि भूमिहार बहुल इलाका है और जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने किया बार बार बोल रहे हैं
उससे कहीं ना कहीं भूमिहार को लग रहा है कि ये सीट हमारे हाथ से निकलता हुआ चला गया। तो यह एक नाराजगी अंडर करंट है। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे, कैसे ढकेंगे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये इनके समर्थकों और इन पर इनके आईक्यू पर ये निर्भर करता। चलिए देखिए, आज पटना साहिब की सीट के लिए भी कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान हो गया। अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। ये जाति से कुशवाहा हैं, ये पटना में रविशंकर प्रसाद को चुनौती देंगे। कितनी बड़ी चुनौती देंगे अभी हम नहीं कह सकते हैं। नए उम्मीदवार हैं, पटना के लिए बिल्कुल नए चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब अपने सारे उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक के सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। अंशुल अभिजीत और रविशंकर प्रसाद, मुकाबला होगा? नहीं, निश्चित रूप से मुकाबला को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। हाँ, कांग्रेस ने कोशिश किया क्योंकि कुशवाहा वोट भी यहाँ पर है पटना साहिब जी। पटना साहिब में कुशवाहा वोट है ज्ञानेश्वर जी, वो पटना सिटी का इलाका देखिए। कोशिश की गई कि गैर कायस्थ को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि हम माना गया जो कायस्थ है वो नहीं देते हैं इंडिया ब्लॉक को वोट, इंडिया में नहीं देते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा को देख कर भी, देखकर सुमन बिल्कुल सब का वोट को देख करके भी लोग अजमा चुका है। ऐसे में यह नया एक्सपेरिमेंट है कि कुशवाहा को दिया जाए और एक बड़े कद के चेहरे को दिया जाए। तो मीरा कुमार का लिगेसी इनके साथ में है, जगजीवन राम का भी लिगेसी है। तो सब कुछ मिला जुला करके आप देखिएगा, कुशवाहा पर इस बार स्ट्राइक किया गया है और MY जो ज्यादा मुसलमान वो है जी, वो तो इनके साथ कुशवाहा रहेगा। तो कुछ न कुछ मल्लाह तो वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा पटना साहिब के क्षेत्र में जी। तो देखिए दिखाई पड़ेगा। आखिरी जो चर्चा हम करेंगे, आज नीतीश कुमार ने एक भावुक चिट्ठी, भावनात्मक चिट्ठी लिखी है बिहार के मतदाताओं के नाम और अपने काम गिनाए हैं। 2005 के पहले बिहार का हाल कैसा था, किस तरीके से डकैतियां होती थी, अपहरण होते थे, डॉक्टर भाग जाते थे, पलायन हो जाता था, ये सारी बातें कही हैं और अपने समय में उन्होंने क्या किया है यह भी बताया है। इस चिट्ठी का कितना असर पड़ेगा रवि सर? देखिए एक बात है ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार ने जो अपनी पत्र लिखा है, दो पन्नों का पत्र है, उसमें स्पष्ट है कि बिहार को उन्होंने परिवार बताया जी। ये एकदम ऊपर में ही लिखा हुआ, पूरा बिहार मेरा परिवार। हाँ, यह एक बड़ी बात उन्होंने आज कह दी है। और उसके बाद से 2005 के पहले बिहार की क्या व्यवस्था थी इस पर भी उन्होंने कहा है। और व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था तो पूरी तरह से लिखा है चौपट ही थी, व्यवस्था की बात ही करना मैंने बेमानी होगी। तो यह सब बात और डकैती डर व्यापारी सब तमाम तरह की बात उन्होंने लिखी है। उनके चिट्ठी को अगर यदि पढ़ा जाए और सड़क बिजली पानी की क्या व्यवस्था थी उस समय की चर्चा ही करना बेमानी होगी। तो यह सब बात उनके हिसाब से लिखा हुआ है जी। तो इसका कितना असर आपको दिखाई पड़ेगा? देखिए ये असर तो चुनावी माहौल है, इसमें तो सब लोग लुभाने के लिए ही चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, अपने वादे की करते हैं लोग, कोई भी बड़े नेता। तो वही उसी क्रम में नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को परिवार बताया है, यह एक बड़ी बात। इसका काउंटर तो आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव भी करेंगे ना? निश्चित रूप से। तो विपक्ष की पार्टी है तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल, तो वही नेता भी है। तो अब वो परिवार बताए हैं, तो अब तो देखिए एक बात हम आपको ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि राबड़ी देवी जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो वह भी पहले बताई थी कि बिहार मेरा परिवार। तो उस बात को राबड़ी देवी कहती है कि हम तो पहले ही, आज नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही हमने बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग की थी इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और मैंने हमने बिहार को परिवार बताया था। तो अब लोग जो भी परिवार बताते हैं, नरेंद्र मोदी बताते हो या नीतीश कुमार, तो राबड़ी देवी का दावा है कि हम पहले बताते थे जी। तो राबड़ी देवी का दावा है कि हम पहले बताते हैं, अब नीतीश कुमार बता रहे हैं। तो चुनावी चर्चा को आज यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीम को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।